नमस्कार, मैं नितेश गर्ग, आप देख रहे हैं INS 24/7 और कार्यक्रम अव्वल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश में युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने की अब तक की सबसे बड़ी पहल छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। प्रदेश के युवा राजीव व युवा मितान क्लब से जुड़कर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। गढ़ वो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को बिना युवा शक्ति के सहयोग के पूरा नहीं किया जा सकता। प्रदेश के नव निर्माण के लिए युवा शक्ति को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13,242 राजीव व युवा मितान क्लब बनवाए हैं। मितान क्लबों से रचनात्मक कार्यों में सहभागिता के लिए प्रदेश के 3,32,242 युवक जुड़े हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां इतने बड़े पैमाने पर युवा रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। प्रदेश के बढ़ोतरी में, प्रदेश के उत्थान में इतने सारे युवा लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले परिचय कराते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ कौन से 3 अतिथि जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज पांडे जी, स्टेट प्रेसिडेंट NSUI छत्तीसगढ़, और डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो मूल्यांकन करके बताएंगे कि आखिर राजीव युवा मितान क्लबों से कितना उत्थान हो रहा है और आगे कैसे क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूँगा विकास उपाध्याय जी का। आप युवा विधायक हैं और विधानमंडल में एक युवा के तौर पर प्रेजेंट हैं और दूसरा संसदीय सचिव भी हैं। विकास जी, कैसे राजीव युवा मितान क्लब का थॉट आया, ये योजना कैसे आई और इस योजना का क्रियान्वयन कैसे हुआ, कैसे यह योजना रन हो रही है, सबके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं INH परिवार को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। एक ऐसी बात पर आपने बात करने का अवसर दिया जो आज एक प्रदेश के नौजवान, इस देश के नौजवान छात्र से जुड़ी हुई चीज, और सरकार ने उसको योजना के रूप में, राजीव गांधी मितान क्लब योजना के माध्यम से कांग्रेस की, भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन नौजवान साथियों को जोड़ने का काम किया है, उन नौजवान साथियों को, उन छात्रों को प्रोत्साहित और प्रोत्साहन देने का काम किया है जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से वो लोगों की मदद और सहायता करने के लिए, चाहे रचनात्मक कार्य की बात करें, धार्मिक कार्यक्रमों की बात करें, स्थानीय संस्कृति की बात करें, खेल कूद की बात करें, अलग अलग प्रतिभाओं को कैसे एक मंच मिले, उनका खुद का मंच, वो खुद जिम्मेदार जवाबदार, और उनको अगर मौका सहायता सरकार से मिल जाए तो और क्या कहना, सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। और 13,000 से भी ज़्यादा क्लबों का निर्माण इस प्रदेश की सरकार ने किया। सरकार की योजना ऐसी योजना कि ट्रांजिशन सीधा कोई माध्यम नहीं, एक क्लब, एक संस्था, एक संगठन जो युवाओं का, छात्रों का संगठन है, जिसमें कन्या बहनें भी हैं, महिला बहनें भी हैं, पुरुष भाई भी हैं और युवा साथी भी हैं, उनका संगठन बनाकर उनको कैसे मदद किया जाए, उनसे कैसे समाज में उनसे मदद ली जाए। और इसका 2 उद्देश्य है। देखिए, एक तो सबसे पहले उन लोगों को कैसे आप जोड़ के रख सकते हैं, कैसे उनको दिशा दे सकते हैं, साथ ही साथ आज पूरा देश एक दूसरी ओर जा रहा है, वहाँ आप अपनी संस्कृति, अपनी कला, धर्म से, खेल कूद से आप जोड़ते हैं, उसका अवसर आप दे रहे हैं। ये एक बड़ा काम सरकार ने किया। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसको लेकर राजीव गांधी मितान क्लब का निर्माण हुआ, इसका गठन हुआ, इसकी इनके क्लब्स बने, और उसमें डायरेक्ट ट्रांजिशन देने का काम, मतलब एक क्लब को 3 महीने में 25,000 रुपया एक क्लब को सरकार सीधा उनके अकाउंट में, उनके क्लब के अकाउंट में ट्रांजिशन करने का फैसला लिया। मतलब 8,000 रुपया एक संस्था को हर महीने उसकी संगठन को चलाने के लिए, वो जो कार्य अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने वार्डों में लोगों की सहायता, अपने संगठन, खेल कूद की प्रतिभाओं को आगे पहुंचाने में, धार्मिक दुर्गा, गणेश, नवरात्रि, तीजा, पूरा अलग अलग जो सांस्कृतिक हमारे त्यौहार है उनको कैसे आगे बढ़ाएं, उनको मदद करने का काम किया है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात की है विकास जी आपने कि 3 महीने में राशि देना। मैं रुख करना चाहूँगा डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी का, फिर उसके बाद नीरज जी के पास आऊँगा कि आखिर युवाओं के प्रति अभी इसका क्या क्रेज है। अनिल सर, जैसा कि हम देख रहे हैं इतने सारे क्लब्स बने, इतने मेंबर जुड़े, जाहिर सी बात है किसी भी क्लब को चलाने के लिए अमूमन अर्थ की भी ज़रूरत होती है। 1,00,000 रुपये की सालाना राशि भी मुहैया कराई जा रही है।
युवा मितान क्लब बनने के बाद पर्यावरण की बात की जाए, जैसा कि विकास जी ने बताया, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की जाए, सभी जगह युवा इंक्लूड हो रहे हैं और राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। अमूमन जो युवा दूर होता है राजनीति से, उसे एक बार फिर से एक अनूठी पहल है, भारत में ऐसा अभी देखने को नहीं मिला। तो आपके दृष्टिकोण से कैसे आप देखते हैं युवा मितान क्लब को और इसकी सफलता को, सभी चीजों को? देखिए, भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा युवा, यदि युवा देश कोई है वो हमारा भारत है। और छत्तीसगढ़ में अगर युवाओं का, अगर जवानी का बेहतर उपयोग करना, उन्हें संस्कारित करना, उनका शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, इसके लिए यदि कोई सरकार प्रेरित हुई है तो वो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार हुई है। और राजीव मितान क्लब जो प्रारंभ किए गए, ये एक बहुत अच्छी पहल है। ग्रामीण स्तर से लेकर के विकास खंड स्तर से लेकर के जिला और राजधानी स्तर तक में युवा क्लब गठित किए जा रहे हैं, उसमें कई युवाओं को मौका मिलेगा, जैसा कि हमारे विधायक विकास उपाध्याय जी बता रहे थे। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और देखिए, ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर शुरू किया गया है। वो राजीव गांधी जिन्होंने इस देश को संचार क्रांति दी, वो राजीव गांधी जिन्होंने इसमें टेलीग्राम क्रांति लेकर के आए, वो राजीव गांधी जिन्होंने इस देश को सबसे पहला एटीएम दिया, और वो राजीव गांधी जिन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए पूरे देश विश्व में भारत की एक विजय पथा का आगे बढ़े। तो ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर ये योजना शुरू की गई है। और मैं देख रहा हूं कि ये योजना, भी मैं देख रहा था कि जो राहुल गांधी जी की आमसभा हुई है, उस राहुल गांधी जी ने भी आमसभा में कितना अच्छा संदेश दिया। उन्होंने युवाओं को कहा कि आप सिर्फ राजीव मितान क्लब से मत जुड़िए, आपका स्वागत है कांग्रेस की राजनीति में, आपका स्वागत है, आप राजनीति में आइए, आप युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। और आप देखिए कि विकास उपाध्याय जैसे युवा आज विधायक है, कांग्रेस जिस तरह से युवाओं का आगे बढ़ा रही है, उन्हें जिम्मेदारी दे रही है, देश की राजनीति में उनके योगदान को और ज्यादा बढ़ा रही है, ये निश्चित तौर पर युवाओं के चहुंमुखी विकास को प्रेरित करता है। आप देखिए कि सिर्फ ये युवा मितान क्लब तक सीमित नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह राज्य में मेडिकल कॉलेजेस आगे बढ़े, जिस तरह कॉलेजेस आगे बढ़े, जिस तरह बड़ी बड़ी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट शुरू हुए, तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विजन इस देश में, इस राज्य में युवाओं को आगे बढ़ाने का है। आप देखिए कि बेरोजगारी किस तरह कदर थी, लेकिन भूपेश बघेल जी आए, उन्होंने 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर नियुक्तियां की, युवाओं को मौका दिया, और आज भी उनके लिए सरकारी रास्ते नौकरी के रास्ते खुले हुए। वरना आप देश में देखिए माहौल क्या है, सेना की नौकरियों तक को अंशकालीन और संविदा नियुक्ति बना दी जा रही है। सेना तक में आप अलग से रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, केंद्रीय विभागों में भर्तियां हो नहीं पा रही है, आप जो सरकारी नौकरियां उनको भी आप प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, तो सरकारी रोजगार कैसे मिलेंगे? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी जिस तरह युवाओं को सरकारी नौकरियां दी, उन्हें शिक्षक बनने का मौका दिया, इंजीनियर बनने का मौका दिया, तो एक तरह से हम कह सकते हैं, एक तरह से युवाओं को फिर से नेटवर्क में ला रहे हैं और युवा क्लब्स के माध्यम से जीवंत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं नीरज जी का रुख करना चाहूंगा, आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं एनएसयूआई, जाहिर सी बात है युवाओं से आपका सरोकार होता है, मिलना होता है। नीरज, कैसे आप देखते हैं राजीव युवा मितान क्लब्स को, कैसे ये सक्रिय हैं, कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं और कैसे सरकार की योजनाओं को धरातल तक ले जाने में इनकी भूमिका है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ एनएस का कि आपने आज राजीव मितान क्लब के डिबेट में मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था युवा भारत, और युवा भारत के सपने को अगर इस देश में कोई राज्य अगर साकार कर रहा है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, और लगातार 13,000 क्लब के माध्यम से 3,20,000 से ज़्यादा युवा मितान आज छत्तीसगढ़ में राजीव मितान क्लब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सरकार उनके सामाजिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, उनके रचनात्मक जो प्रतिभाएं हैं उसको निखारने के लिए सरकार ने क्लब का गठन किया है, और लगातार आप देखेंगे पूरे प्रदेश भर में 2 लाख से ज़्यादा गतिविधियाँ अभी राजीव मितान क्लब के माध्यम से हुई हैं। और निश्चित रूप से सामाजिक रूप से भी आप देखेंगे पूरे प्रदेश भर में
आज पर्यावरण को संरक्षित करने का काम, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का काम पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों, ब्लॉकों और गांवों में अगर कोई कर रहा है तो वो राजू अमितान क्लब के सदस्य कर रहे हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लगातार देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जो प्रतिभाएं पहले उभर कर नहीं आ पाती थी, अब धीरे धीरे वो राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से लगातार खेलकूद की गतिविधियों के माध्यम से, सांस्कृतिक मंच के माध्यम से एक ऐसा मंच प्रदान किया है सरकार ने कि वो अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। और आप देखेंगे कि अभी जो लगातार पहले गाँव में संगठित युवा नहीं हो पाते थे, आज इस क्लब के माध्यम से संगठित हुए हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। आपको एक बढ़िया उदाहरण बताता हूं कि सरकार ने एक योजना चालू की है, माननीय मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। उस योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए सरकार इलाज के लिए प्रदान करती है। तो सूचना खिड़की के माध्यम से राजनांदगांव में इसकी शुरुआत हुई है, उसके माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। तो ये एक बड़ी पहल है पूरे देश में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पूरे देश में उन्होंने राजीव गांधी जी के युवा भारत के सपने को साकार करके करने का काम करके दिखाया है। अब बिल्कुल सही बात आपने कही नीरज। विकास जी का एक बार मैं फिर से रुक करना चाहूँगा। सर, अगर ग्रामीण और शहरी दो भागों में देखा जाए, अमूमन अपना देश, अपना प्रदेश, ग्रामीण आबादी ज़्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा क्लब किस तरह से कार्य कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में किस तरह से क्लब कार्य कर रहे हैं, और कौन कौन से गांव को लेकर पॉजिटिव बिंदु हैं जिनमें दिन भर लगकर ये युवा पूरी मेहनत से गांव के विकास में योगदान दे रहे हैं, और शहरों में किस तरह से योगदान दे रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और मैं अनिल द्विवेदी जी इस बात को कह रहे थे कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौजवान लोगों की पॉपुलेशन है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान छात्र कहीं हैं तो हिंदुस्तान में हैं, और कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, सरकार के साथ समाहित करके, सरकार की योजना के साथ कैसे उनको जोड़ के, अभी हम सब एक बहुत भयावह एक ट्रेजेडी कोरोना से हम सब गुजरे हैं, जिसमें हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता थी, कहीं किसी को राशन देने की आवश्यकता, किसी को अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता, किसी को स्वास्थ्य सेवा देने की आवश्यकता। जब ऐसी परिस्थितियां देश में खड़ी होगी, ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में खड़ी होगी, तो उसको सहायता करने के लिए भी हमारे पास नौजवान साथियों की टीम है जो सरकार के साथ संतुलन बनाकर काम करेगी। राजीव गांधी मितान क्लब का योजना, राजीव गांधी मितान क्लब योजना से कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं, लेकिन स्थानीय तौर पर कैसे लोगों को संगठित किया जाए। ग्रामीण अंचल में इसके तौर तरीके अलग अलग है काम करने के लिए, शहरी क्षेत्रों में अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराया गया, पूरे प्रदेश में पहला प्रदेश होगा पूरे देश में जहां वहां की जो खेलकूद है, जो प्रदेश की स्थानीय खेलकूद है, उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और मैं समझता हूं लाखों की तादाद में नौजवान साथी, युवा बुजुर्ग इस राजीव गांधी मितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल को उन्होंने खेला, उस उत्साह को उन्होंने किया, और जो प्रतिभाएं जो हमारे गांव में रहती है, जो हमारे शहरों में रहती है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, आज उनको प्लेटफॉर्म मिलने का काम हो रहा है, और लोग संगठित हो रहे हैं। संगठित मतलब कोई ऐसे काम को करने के लिए नहीं, काम करने के 100 तरीके हैं। कैसे आप अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने पंचायत में कैसे आप सामाजिक सेवा के माध्यम से लोगों को मदद कर सकते हैं, कैसे धार्मिक और खेल कूद संस्कृति की मदद से आप मदद कर सकते हो, उसको लेकर इसका गठन हुआ। राजीव गांधी जी आईटी को जन्म देने वाले वो एक नेता थे जिन्होंने युवाओं को समझा, एसटीडी पीसीओ की शुरुआत की, बेरोजगारों को कैसे प्रधानमंत्री बेरोजगार लोन देने का फैसला लिया। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने एक बिल्कुल सही बात कही आपने विकास जी। एक चीज और भी देखने वाली है, महिला सशक्तिकरण जिसकी बात की जा रही है, इन क्लबों के माध्यम से बच्चियों को, महिलाओं को, प्रौढ़ों को, इनको भी अवसर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण क्लब हो सकते हैं। विकास जी,
ठीक है, विकास जी का रुख करेंगे हम। अनिल जी के पास मैं जाता हूँ। अनिल जी, जैसा कि मैं कह रहा था, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी ये क्लब्स महत्वपूर्ण हैं। युवाओं को, युवा बच्चियों को, युवा छात्राओं को भी अवसर मिल रहा है, तो एक प्रकार से ऐसा वातावरण भी निर्मित हो रहा है कि छात्र, महिला सशक्तिकरण की जो बात थी उसे वास्तविक धरातल स्थित पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, हमारे तो संस्कृति में ही देवताओं तक को अर्धनारीश्वर कहा गया। जब तक कि आधी नारी और आधे नर पूरे नहीं होंगे तो हमारी कल्पना नहीं सकती मानव होने की। तो देखिए, अगर ये राजीव मितान क्लब शुरू हो रहा है तो ये देखना होगा कि इसमें जो महिलाएं हैं, जो स्त्री शक्ति हैं, उनका योगदान कितना हो रहा है, उनका विकास कितना हो रहा है, उनका लाभ उनको कितना मिल रहा है। ठीक है, हालांकि योजना अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन जो जो कांग्रेस के कर्णधार हैं, जो राजनीति में लोग हैं, उन्हें ये देखना होगा कि इसमें महिलाओं की भी भागीदारी उतनी ही ज्यादा हो। क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर महिलाएं जब किसी प्रोजेक्ट में शामिल होती हैं, वहां पर आलस्य की, भ्रष्टाचार की संभावनाएं बेहद नगण्य हो जाती है, और वो बहुत मनोवेग से काम करती हैं और इस योजना को सफल करती हैं। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजीव मितान क्लब ऐसे समय में शुरू किया है जब आज के युवा व्हाट्सएप और मोबाइल पे पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। तब ऐसे समय में उन्होंने ओलंपिक का काम शुरू किया कि आप घरों से बाहर निकलिए, मोबाइल छोड़िए और ओलंपिक में आप अपना शरीर स्वस्थ दिखाइए, शारीरिक प्रतिभा को पूरा करिए। तब उन्होंने ओलंपिक चालू किया, अब उन्होंने राजीव मितान क्लब शुरू किया है। तो युवाओं को मोबाइल से अधिक दूर रख करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रख करके, रचनात्मक और क्रियात्मक और संगठनात्मक सांस्कृतिकरण की ओर आगे बढ़ना, ये एक बहुत अच्छी पहल है। युवाओं को कम से कम अब अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, उन्हें कहीं ना कहीं लाभार्जन होगा, उनका आर्थिक लाभ होगा। एक ग्रुप में अगर जुड़ेंगे तो एकता और शांति की भावना आएगी कि सभी लोग ग्रुप में जुड़ करके खेलेंगे, मैदान में खेलेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। अभी तक मोबाइल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब चीजें नहीं हो पा रही है, वहां पर हर युवा अपने आप में अकेला है। तो ये एक अच्छा राजीव मितान क्लब के मार्फत ये चीजें शुरू हो गई। मैं एक बात का ध्यान और आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब भी कोई सरकारी योजना आती है तो उसमें लाल फीताशाही एक बड़ी अड़चन होती है। इस योजना के लिए प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर बजट भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस बजट का उपयोग कैसा हो रहा है, क्या उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, उसमें कोई अफसरबाजी की अड़ंगेबाजी तो नहीं आ रही है, और उसमें जो कांग्रेस के विधायक हैं या विधायक लोग हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, क्योंकि वे लोक प्रतिनिधि हैं। उनके पास जब तक युवाओं के क्लब नहीं आएंगे वो उनकी मदद करेंगे, तो इसके लिए जरूरी होगा कि विधायक की उसमें भरपूर भूमिका हो। इसलिए राजीव मितान क्लब में अगर टीम बनाई गई होगी तो निश्चित तौर पर विधायकों की भी उसमें अहम तौर पर जोड़ा गया होगा, ताकि वो अधिक से अधिक क्लबों तक जाकर के उनकी मदद कर सके। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये अच्छा मौका है कि मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो 1999-90 के दौर में स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना लेकर के आए थे, और उस समय उन्होंने 1-1 लाख रुपए का लोन युवाओं को दिया था, और आज वो युवा करोड़पति है। तो वो योजना बड़ी सक्सेस हुई थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना नरसिम्हा राव जी की देन थी, खुद मेरे परिवार के बहुत से सदस्य उससे लाभान्वित हुए थे। तो ऐसी योजनाएं कांग्रेस लाती है, इसलिए उसका देशव्यापी आधार है, इसलिए वो युवाओं के मन में बसती है। तो ऐसी तरह राजीव मितान क्लब योजना भी सार्थक हो, सफल हो, इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना हो। बिल्कुल। अब विकास जी, एक चीज और देखने वाली बात है कि जब क्लब्स की बात की जाए तो इसमें 20 से लेकर 40 सदस्य हैं, तो सरकार की जो भावना है उस वो भी एक तरह से सरोकार हो रही है कि सभी जाति, धर्म, पंथ, जो विभाजन की लकीरें हैं, स्त्री पुरुष, ये सब हटकर 40 लोगों का समूह जब जुड़ता है तो एक तो ये फायदा होता है, और दूसरा सरकार की योजनाओं का एक तरह से फीडबैक भी इनके माध्यम से मिल जाता है, सरकार की योजनाओं का प्रसार भी होता है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी ने जिस प्रकार से गणेश पूजन, गणेश गणेश त्यौहार को, गणेश जी के कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक बनाने की शुरुआत की थी, जिसमें उद्देश्य कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं, लोगों को संगठित करके एक सही मार्ग में ले जाने का था। और मैं समझता हूँ आज वही एक
वजह है कि पूरे देश के अंदर हर गली, हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर गांव में लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी का 9 दिन सत्कार करते हैं। उसमें कोई जाति भेद धर्म के लोग नहीं होते, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक मंच के नीचे आना। उद्देश्य सिर्फ ये है कि नौजवान पीढ़ी को सही दिशा दी जाए। नौजवान पीढ़ी को अगर आप सही रास्ता दिखा देंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वही प्रदेश को और देश को आगे ले जाएंगे, वही ले जाएगी। नीरज जी, आप युवा हैं और कैसा इंगेजमेंट देख रहे हैं, और आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या होगी युवा मितान क्लब को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि छात्र संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लगातार छात्रों के संपर्क में रहता हूँ, और लगातार जो हमारे मितान हैं, जो युवा मितान, जो हमारे युवा साथी हैं, वो लगातार अपने श्रमदान जब करते हैं तो उस गांव के, उस मोहल्ले के बाकी भी जो नागरिक हैं वो भी उनसे प्रेरित होकर उसमें अपनी भागीदारिता, अपनी सहभागिता लगातार निभा रहे हैं। एक विशेष बात जो अभी डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी जो कह रहे थे, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार जब 25,000 रुपये तिमाही के रूप में देती है तो सबसे पहले आपको, जब आप जब 15,000 रुपये उसमें खर्च करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में, तो आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना पड़ता है। उसके बाद ही अगली तिमाही की राशि आपके आपके जो क्लब के जो अकाउंट है उसमें आएंगे। तो इतनी पारदर्शिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस योजना को बनाया है कि इसका कोई भी तोड़ नहीं हो सकता। लगातार आप देखेंगे जो युवा मितान है वो पहले, एक और जो बात उन्होंने की कि मोबाइल से सब चीज़ ऑनलाइन हो गई थी, पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रहा था कोरोना के काल में, उस समय भी युवा मितान, जो हमारे युवा मितान थे, उन्होंने कोविड टीका लगवाने का काम भी किया था। और लगातार सभी सामाजिक, अपने गांव में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती किसी के घर में, तो ये युवा मितान क्लब के सदस्य उनकी मदद करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि लोगों को फिर से फिजिकल रूप से जोड़ने का काम राजीव अमितान क्लब के माध्यम से हो रहा है। वाकई महत्वपूर्ण बात कही नीरज ने कि एक जीवंत ढांचा पैदा किया है मोबाइल से निकलकर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, अनिल साहब ने, कि मोबाइल से निकालकर एक बार फिर से भौतिक रूप से युवाओं को खड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप कैसे देखते हैं युवा मितान क्लब की आगे भविष्य को, और आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि कार्यक्रम में समय सीमा होती है, हमारा कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव की तरफ है। युवा मितान क्लब को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया और आगे इसको जिस तरीके से विस्तारित किया जाएगा, इनको सरकार की योजनाओं के साथ मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सरकार इन नौजवान साथियों को मदद लेने वाली है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में एक संगठित, एक मार्गदर्शक नौजवान लोगों का संगठन सरकार की योजनाओं पर काम भी करेगा और उसको विस्तार भी करेगा। बिल्कुल, तो निष्कर्ष निकल कर ये आ रहा है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हजारों की संख्या में युवा मितान क्लब फैले हैं, इनमें लाखों की संख्या में युवाओं की सहभागिता जुड़ गई है। समूहों के रूप में ये सतत रूप से गांव-गांव में, शहर-शहर में काम कर रहे हैं, और ये वाकई योजना चेंजिंग मूवमेंट, चेंजिंग फैक्टर है सरकार का, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है, और उस युवा पीढ़ी को सफलतापूर्वक सरकार ने पकड़ लिया है और उन्हें सही दिशा दे दी है। विकास जी, नीरज जी, अनिल जी, आप तीनों मेहमान हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अव्वल छत्तीसगढ़ में आज चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु था राजीव व युवा मितान क्लब। इसमें हमने बताया कि कितने क्लब फैले हैं, इनका क्या लाभ हो रहा है, इनके माध्यम से जनता सरकार से किस तरह इंगेज हो रही है, युवा किस तरह इंगेज हो रहे हैं, और उससे क्या कुछ सरकार करने में प्रभावी हो रही है, और क्या कुछ प्रदेश की जनता सरकार के माध्यम से कराने में प्रभावी हो रही है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हम मिलेंगे अगले किसी ऐसे ही विषय के साथ जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचती है। नमस्कार।